तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज हिंदी जो कि 75 नंबर है और 25 नंबर जो इंग्लिश है, तो उसमें का आज जो है वीडियो हम देखते हैं हिंदी। 75 नंबर्स यानी टोटल मार्क्स याद रखिएगा, 100 नंबर में से आपको 30 नंबर्स मंगाने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी से और हिंदी दोनों मिला करके मंगाएँ, आप चाहें तो हिंदी से ही टोटल 30 नंबर आप कम से कम ला दीजिए, तब जाके आपका सेकंड पेपर अर्थात मेरिट वाला पेपर चेक होगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके लाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यानी कुल मिला करके आपको 30 नंबर कम से कम लाने हैं, तब जाकर के। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने बहुत दिनों से कहा कि सर हिंदी और इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हुआ, तो आइए हम पूरे हिंदी संपूर्ण व्याकरण को लेकर के चलते हैं। बाकी गद्यांश जो होगा वो कोई भी व्यक्ति उसमें पढ़ करके आंसर दे देता है। तो शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर देखेंगे एक से लेकर के पाँच नंबर तक जो क्वेश्चन होगा उसका संबंध शब्द विचार नाम से होगा। याद रखेंगे एक से पाँच तक शब्द विचार से संबंधित क्वेश्चन रखे गए होंगे। उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उद्गम के आधार पर शब्द भेद जो होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज हो जाता है। इसका मतलब उद्गम के आधार पर ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, अगर निम्नलिखित में से कोई नहीं है तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन शब्द भेद नहीं है, तो रूढ़ जो होता है उद्गम के आधार पर नहीं होता है। आगे बिंदु है, आगे बिंदु को ध्यान से देखिएगा और प्रश्न आपके सामने हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि मजा आए पढ़ने में। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है? तत्सम जो होता है तो तत्सम की परिभाषा होती है संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। इसका मतलब कि आपको आंसर मिल चुका होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है कि निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसका अलग अलग भाग हम लोग नहीं करें, भाग करने के बाद भी अलग अलग जो है उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। तो सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है, तो सही आंसर है तीन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी अर्थात रूढ़ शब्द है। यानी कि यह आंसर एक ही वर्ड्स अलग अलग नहीं कर सकते आप इसको, चौथे का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर बी अर्थात योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके दोस्तों वो स्वयं का अपना अर्थ छोड़कर के कोई दूसरा विशेष अर्थ बताता है। तो स्वयं दूसरा अपने को छोड़ करके दूसरे का अर्थ पकड़ करके बताए, तो पंकज माने क्या, पांक में लेने वाला जन, तो उसको कमल, तो पंकज जो है यहां पर योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ रही होंगी। बने रहिए हमारे साथ इस ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। यदि आपका कोई भी सिलेबस का कोई भी बिंदु छूट गया है, हमारे चैनल पर लाइन से कतार में बिल्कुल सभी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, सभी वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से देखिए किसी भी कंटेंट को और अपने एग्जाम्स को क्लियर करके आइए। दोस्तों आइए देख लेते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये तो रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी आपके साथ साथ कुछ ना कुछ काम हो जाए। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? छठे नंबर क्वेश्चन से लेकर के तेरहवें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग वर्ण एवं ध्वनि से संबंधित क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। प्रश्न है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ जो होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय है। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को उसकी मात्रा के नाम से जानते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, बिना अवरोध के उच्चरित होने वाली वर्ण क्या कहलाते हैं? किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो, यानी बिना रुकावट के ओपन माउथ से जो आपके उच्चारण कर दें किसी वर्ड का, तो वह स्वर कहलाता है। यानी अ आ ई उ बोल करके देखिए, कहीं भी यह फंसने वाला, मुंह बंद होने वाला नहीं है, इसलिए ये अवरोधी वर्ड होते हैं और ये अवरोधी वर्ड को ही स्वर के नाम से जानते हैं। ज्ञान कितना रख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता एग्जाम्स में, आप एग्जाम कैसे क्लियर कर पा रहे हैं, कौन से हथकंठे लगा करके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, एग्जाम्स नहीं क्लियर हो पाता। ज्ञानी होना उतना जरूरी नहीं है एग्जाम्स के लिए जितना कि समझदार होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझदारी से काम निकाल लीजिए। आज आगे देखते हैं व्यंजन की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है। तो व्यंजन की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या होगा?
देख लीजिएगा, दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, और बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले। देखिए, बिना अवरोध के, बिना किसी सहायता के, ये दोनों ही एक ही अर्थ है, ये स्वर की परिभाषा है। दीर्घ स्वर वाले वर्ण नहीं, अ के बाद में आ जब कर देंगे तो ये भी स्वर ही है, लेकिन व्यंजन की परिभाषा पूछा गया है तो स्वर की सहायता से बोली जाने वाली वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? देखिएगा, कवर्ग है, चवर्ग है, तवर्ग है। दोस्तों, इन सभी को बोलने पर आपके माउथ में जीभ कहीं ना कहीं जाकर के सटेगा, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से हम लोग जानेंगे। ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क कौन सा व्यंजन है? याद रखिएगा, क कैसा व्यंजन है? तो क का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए उम्मीद करिए 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क जो है व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। बस 30 नंबर्स मंगाइए, और कम से कम 30 नंबर मंगाइए, और उसके बाद थोड़ा सा जो इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं नंबर उठाइए, नौकरी पाइए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? आप तो इसका आंसर कर ही दीजिएगा, करते रहिए आंसर इसको, ऑप्शन नंबर बी सही कहेंगे, कंठ वर्ण इसको कहते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से, प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी ओठ। ओष्ठ जो है पवर्ग में आने वाले सभी के सभी वर्ड जो होते हैं वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे प हुआ, फ हुआ, ब हुआ, म हुआ, इसको बोल करके देखिए ओठ जा करके एक पास सट जाएगा, यही कारण है कि इसको ओष्ठ वर्ण कहेंगे। तो कह रहा है कौन ऐसा है इसमें जो ओष्ठ वर्ण नहीं है? य जो है यह ओष्ठ वर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी 12वें का सही आंसर था। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धन्य यानी मूर्धा। आप दांत के ठीक बगल में देखिए, थोड़ा सा अपने जीभ को सटा करके, वहां पर रुखड़ा वाला होगा, तो रुखड़ा वहां से जिसको बोलने से उच्चारण निकल जाए उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, चचा जजा जो होता है ना दोस्तों, वो तालव्य होता है, यानी कि मूर्धन्य क्या होता है? टवर्ग, टव आने वाले को मूर्धन्य कहते हैं। जैसे इसमें से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? तो ट जो है मूर्धन्य वर्ण है। उम्मीद करते हैं कि सब बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। आगे बढ़ते चलते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, भाववाचक, अभी हम लोग 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे संज्ञा एवं उससे उसके भेद से संबंधित क्वेश्चन। 14 से लेकर 20 तक कहां तक देखेंगे हम लोग? संज्ञा और उसके भेद से क्वेश्चंस देखेंगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो देख लीजिए, चतुराई ये भाव होती है, लड़ाई ये भी भाव होती है कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है। लड़ाई शब्द कहने से क्या होता है, आदमी के दिमाग में चलता है कि हाँ लड़ाई कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद चतुराई नहीं, उतराई, उतराई जो होती है भाव है, लेकिन मिठाई, मिठाई एक टेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, ये भाववाचक नहीं है। ठीक है, इसको आप तो कहें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिएगा, व्यक्ति मतलब किसी एक ही चीज़ का क्या हो जाए, बोध हो जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। गाय कहने से सभी का बोध हो जाता है, पहाड़ कहने से पूरा पहाड़, आम कहने से सभी, लेकिन यमुना कह देते हैं ना, तो यमुना माने एक नदी से होता है। तो जिस संज्ञा से किसी एक का बोध हो जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई कंटेंट छूट गया है तो जा करके बिल्कुल आप पहुंच जाइए, प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए, या पूरा यूट्यूब पर खोज लीजिए, लाइन से पड़ा होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, गुरु, मनुष्य। हाँ जी, तो आप देख लीजिए 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुता एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक किसी एक का निर्माण होगा, देखेंगे मांडवी, घरेलू, स्वतंत्र, भला। तो याद रखेंगे 17 का मांडवी यह एक नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाव करना है, मोहन, नदी, अयोध्या। देख लीजिए ये सब जो है, मोहन जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जो ये वाला जो है वो क्या कहता है, अयोध्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जो है वह नदी जातिवाचक शब्द है, लेकिन हरियाली यही वो भाव है। 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न कहता है
कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। पुरुषवाचक शब्द कौन निम्नलिखित में से कौन है जिसको हम लोग पुरुषवाचक शब्द के नाम से जानेंगे। 19 का सही आंसर हो जाएगा कि पुरुषवाचक, तो हम जो है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाली चीजों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते चलते 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त कि बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, याद रखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा, यह एक भाव को दर्शाता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों संज्ञा और उसके भेद से संबंधित क्वेश्चन को इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। आइए देख लेते हैं सर्वनाम और उसके भेद से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 21 से लेकर 28 तक, याद रखिए। अब 21 से लेकर 28 तक सर्वनाम और उसके भेद से संबंधित क्वेश्चन रखेंगे, जिससे कि आपको तर्क करने आ जाए एग्जाम्स में और पूर्वक आप क्लिक कर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देख लीजिएगा, यह वह दिखाई दे रहा ना, यह निश्चयवाचक होता है। तो याद रखेंगे निश्चय किसी को देखकर, यह वह तुम एकदम बिल्कुल आपको कह दिया जाएगा तुम ही हो, यही वो आदमी है, तो इसलिए इसको यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर सी, उसी का तो नाम सर्वनाम है। आगे बढ़ते चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। पुरुषवाचक तुरंत हुआ था, 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए पुरुषवाचक है तो हम क्या है, एक पुरुषवाचक तुरंत हुआ भी है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं अपने आप काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप काम कर लूंगा, इसमें अपने आप में जो क्वेश्चन है आप शब्द क्या है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर बी है, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है। अब देख लीजिए, देखते चलते हैं 25 नंबर, ये ठीक है अशुद्ध, या देखिए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं अब आंसर चुन लिए होंगे, मैं तेरे को एक घड़ी, ये दिल्ली वाला भाषा है ना, दिल्ली वाले भाषा वो सर्वनाम का ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं, सब तेरे को मेरे को ऐसा प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की तरफ ही जाइएगा, उस उधर पंजाब क्षेत्र में तो इसी तरह से इसे बोलते हैं। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं कर लूँगा में रेखांकित शब्द कौन सा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें 26 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम जो है स्वयं, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप चले जाएं, तो आप क्या है, तो 27 का ऑप्शन नंबर मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना था ए, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न कहता है तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह क्या है, यह तो देख लीजिएगा यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं और अगले हम चलेंगे जो है इनमें से, अब हम लोग विशेषण और उसके भेद देखने वाले हैं दोस्तों। अब देखेंगे विशेषण और उसके भेद से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिल सकते हैं, तो आइए बिल्कुल ध्यान रखे रहिएगा। प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। 1 से लेकर 6 तक अब विशेषण और उसके भेद से क्वेश्चन आपके लिए रखे जाएंगे। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, काला, लंबा, 50, युवा, दिखाई दे रहा है ना, तो गुण दर्शाने वाला है। 1 का सही आंसर है 50 जो है ना गुण नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन कोई आदमी काला है, चाहे कोई चीज़ काला है, लंबा है, युवा है, ये सभी क्या है, गुण दर्शा रहे हैं, विशेषण है। लेकिन 50 क्या है, ये गुण दर्शा थोड़ी रहा है, मटेरियल बता रहा है, ये द्रव्यमान को बता रहा है। अगला बिंदु आगे सामने है, इनमें से कौन कालबोधक विशेषण कौन सा है। आप आंसर कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन कालबोधक विशेषण कौन सा है, कालबोधक विशेषण कौन सा है। दूसरे का देखिए, गीला, पतला, भला, लेकिन पुराना, देखिए पुराना मतलब क्या,
कुछ काल का हो गया, गीला है, पतला है, भला है, ये सबके सब विशेषण ही है, लेकिन कह रहा है काल बोधक, तो काल बोधक क्या, ओल्ड एक काल है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण कौन है, सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद में आते हैं, सर्वनाम के बाद में आते हैं और इनमें से कोई नहीं, तो सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वह दोस्तों संज्ञा के बाद में आते हैं। ऑप्शन नंबर कितने, तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट, तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले जो आएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, संज्ञा के पहले आने वाले को सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, तो हाँ जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है, तो उसको विशेष बोलते हैं, और जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है, विशेष है, ठीक है। जैसे राम सुंदर है तो इसमें राम विशेष हो जाएंगे मुख्य रूप से, आगे सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा, विशेषण। और यहां पर देखेंगे जिसकी विशेषता बताया जाए उसी को, नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए, जो सही नहीं है उसको छांट देना है। वर्ष का वार्षिक विशेषण, वन का वन्य, व्यवसाय व्यवसाय का व्यवसायिक, और वंदना का वंदनी। छठा का देखिएगा, वर्ष का वार्षिक ठीक है, वन का वन्य सही है, व्यवसाय का व्यवसायिक सही है, लेकिन वंदना का वंदनी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अब देखने जा रहे हैं अव्यय। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक हम लोग अव्यय देखेंगे। अव्यय का मतलब हुआ जो उसका क्रिया रूप काल क्रम के अनुसार उससे कोई मतलब नहीं है, वो जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अव्यय कहेंगे। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं, दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, उसको समुच्चय वाचक के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, उसने आंख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर निम्नलिखित में से क्या है, याद रखिएगा उसने आंख को फाड़ करके देखा, इसमें फार कर निम्नलिखित में से क्या है, तो आठवें का सही आंसर है यह क्रिया विशेषण से है, ठीक है, देखने की प्रक्रिया को बताया है इसने, ठीक है। तो आगे देखते चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अविकारी है, देखेंगे अविकारी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिएगा अविकारी कौन से है, तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों के दोनों अविकारी की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है, इनमें से किसमें एक जो है क्रिया विशेषण है, तो 10वें का सही आंसर है कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, वह धीरे धीरे बोलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह धीरे धीरे बोलता है, तो ऑप्शन नंबर 10वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10वें का, इनमें से क्रिया विशेषण कौन है, धीरे धीरे बोलता है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निमित्त शब्द क्रिया विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा, निमित्त जो शब्द क्रिया विशेषण है वो किस भेद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेतुवाचक के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे, तो 12 का आंसर पकड़ लिए होंगे, धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे बोलता है, सही ना, सभी क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते चलते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में निकालना है, स्मार्ट बनना है, एग्जाम पास करने हैं, बहुत बत्तीस मार्क नहीं दिखाना है अपने आप को कि ये हो गए, सब कुछ बना दिया गया, इसमें जाकर बिगाड़ मत लीजिएगा, पूर्ण रूप से हम कोशिश कर रहे हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 13 का ऑप्शन नंबर ए, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उपसर्ग नहीं, उपसर्ग तो 22-23 प्रकार का होगा, उसको नहीं। आगे देखिएगा, अगला बिंदु देख लीजिएगा ध्यान से, प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब हम लोग लिंग एवं उसके भेद से क्वेश्चंस देखेंगे, 14 से लेकर के 21 नंबर तक क्वेश्चंस अब लिंग पर आधारित प्रश्न कहा जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। जी हाँ, इसमें से आंसर आपको चुन लेना है, ठीक है। तो ये देखेंगे, स्थापना जो है वह स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थापना, देखिए जिसका मतलब पुलिंग न बनाया जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या स्त्रीलिंग की श्रेणी
में रख लेते हैं, स्थापना का बना दीजिएगा, सॉरी बहुवचन नहीं। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है, अलग अलग करिएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको रूढ़ शब्द कहेंगे। तो देखिए, ज और ल को अलग अलग करिएगा जल हो जाएगा, पंकज जो है योग रूढ़ है, दया सागर जो अलग अलग किया गया है यौगिक है, विद्यालय को अलग अलग करिएगा तो विद्या प्लस आलय दो अर्थ निकल जाएगा इसलिए यौगिक है, लेकिन जल क्या है रूढ़ शब्द, अलग अलग करिएगा कोई फायदा नहीं पड़े, वही तत्व यौगिक मिश्रण वाला हाल यहाँ पर है। 16 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे, 16 का ऑप्शन नंबर सी कहलाएंगे, यौगिक के नाम से हम इसको जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो जेठ का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, तो जेठ का क्या होता है, जेठानी होता है, जेठिन जेठरानी या जेठराइन नहीं, जेठानी हो जाएगा। हाँ अब अंत समय है तो हंसिए और मजा लीजिए, एग्जाम मजा लेकर के पास कर जाइए। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है, हलवाई का स्त्रीलिंग पूछा है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है, हलवाई का स्त्रीलिंग पूछा है कि हलवाई का जो स्त्रीलिंग होता है हलवाइन होता है, उसमें भी देख लीजिए, एगो दीर्घ ही है एगो हर्षई है, हलवाई और हलवाइन और हलवानी, अब लीजिए ना, तो हलवाइन जो है ये वाला सही है, दीर्घ ही नहीं होगा ह्रस्व ई होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, 19 का सही आंसर है कि स्त्रीलिंग का चयन कीजिए, संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर, तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन है ना उसमें ऑप्शन नंबर बी जो है संसद, एक हमारी संसद देखेंगे, हमारी संसद जो है संविधान के प्रति जो है अपनी पूर्ण कर्तव्यता रखती है, तो संसद इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे देश का संविधान बड़ी नहीं है, हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा है, ऐसा कर देंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा, बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन, 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बनावट जो है ना सिर्फ स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, लड़कपन वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होता है, बुढ़ापा भी उसी तरह से। अब ये नहीं कि जो बुढ़िया माई है उनके लिए बुढ़ापी कहेंगे और जो बूढ़े दादा हैं उसको बुढ़ापा कहेंगे, नहीं नहीं, बुढ़ापा मतलब दोनों के दोनों हो जाएगा। याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह होगा, याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह निम्नलिखित में से क्या होगा, 21 का आंसर जानते हैं क्या होगा, याचिका बन जाएगा, याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा उसको याचिका कहेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर अपन बिंदु की तरफ, ध्यान से देखते रहिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन तक जानते हैं क्या देखेंगे, 22 से 28 तक देखेंगे हम लोग वचन एवं उसके भेद, आगे देखेंगे 22 से 28 तक वचन और क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, उसके भेद देखने जा रहे हैं। आइए, प्रश्न है आंसू का बहुवचन क्या होता है, 22वें का सही आंसर है कि आंसू का बहुवचन आंसुओं होता है, आपकी आंसुओं की झलक ने मुझे घायल कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से बस समझने के लिए, हंसने के लिए बता रहे हैं, अब अंत समय में हंसिए, हंसते हंसते पढ़ते चलिएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है, देखा जा रहा ना, किसी के आंसू घायल नहीं करते लेकिन प्यार वाली जो हंसी हो ना तो वो रियल में घायल करता है, वो मोतियों की तरह चमकता हुआ। कौन सा शब्द बहुवचन है, 23वें का सही आंसर जानते हैं, 23वें का सही आंसर हो जाएगा कौन सा शब्द बहुवचन है, प्राण, प्राण का कोई प्राणी, प्राणी इस तरह से नहीं होगा, माताएं हो सकती है, लड़कों हो सकता है, किताब का किताबें हो सकता है, लेकिन प्राण का प्राणे बना दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। बात शब्द, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, बात शब्द का बहुवचन रूप क्या है, बात का बहुवचन क्या होती है, तो आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बात का बातों, आपकी बातों से मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि आपको बातें से लगता है, आपकी बताएं से लगता है, ऐसा नहीं कहेंगे, बात शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो आपकी बातों से लगता है कि आप भी वहां पर थे, ऐसा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, नारी शब्द का बहुवचन रूप निम्नलिखित में से पूछा गया है, तो नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या है, नारियां, याद रखिए नारियों नहीं नारियां, यहां पर चंद्रबिंदु होगा। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या है, साधुओं, साधु, साधुएं, पकड़ लिए होंगे आप लोग, 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, साधुओं। अगला प्रश्न है कि साड़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, साड़ी शब्द का बहुवचन रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, तो 27 का सही आंसर है, साड़ी का बहुवचन रूप साड़ियां हो जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होगा, प्राण, शिशु, अब तो कर लिए होंगे, 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी तुरंत आपको मिला था। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है,
तो उपसर्ग अब हम लोग देख रहे हैं उपसर्ग, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन से लेकर दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है जो एक सार्थक शब्द के आगे आकर के जुड़ जाता है। तो देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा है, प्रभाव में देख लीजिए प्र है, लेकिन ओढ़ना में नहीं है उपसर्ग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है, तो स्वागत शब्द में निहित होने वाली उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 30वें नंबर का सही आंसर होगा सु प्लस आगत बराबर होता है स्वागत। इस प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सु प्लस आगत, स्वागत में उपसर्ग सु है। स्वामत कर दीजिएगा खटाक से, 49 शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, उन, तो उन ना होता है, ऊ एक उपसर्ग होता है। 31 का जानते हैं, 31 का मुझे लगता है 49 उन एक होता है जी सर, 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत में हम चले गए थोड़ा देर के लिए, नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वो कौन सा है जिसमें नि उपसर्ग नहीं लगाया गया है, निथिन निर्गुण और निकुंज और निहि। देखिएगा निर्गुण में ना मुझे लगता है कि निर उपसर्ग है निर्गुण में, इसलिए नि नहीं है, निर उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें नहीं था नि। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, अब बताना है निर से नहीं है, निरंजन निर्दोष निर्जन और निर्दोष, ठीक है ना, लगता है कि आंसर चुन ले होंगे। 33 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कहता है कि निर उपसर्ग, देखिए इसमें भी निर है, इसमें भी निर है, इसमें भी निर है, और निरंजन का नी प्लस रंजन, इस वाले में ना नी उपसर्ग है, तो पूछा है कि इसमें निर नहीं है, तो निरंजन में निर नहीं है। अगला क्वेश्चन है अवचेतन शब्द में निहित उपसर्ग है, अवचेतन में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो अवचेतन में अ उपसर्ग उपस्थित है। अगला 35 नंबर उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, तो उद्घाटन में जानते हैं क्या है, उद्घाटन, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद जो है इसमें उपसर्ग उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से 42 नंबर तक क्वेश्चन जानते हैं क्या देखने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 42 तक अब हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, उसका संबंध होगा प्रत्यय से। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है, शब्दों के बाद में लगने वाला वर्ड जो है प्रत्यय कहलाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें है, सुंदरता बर्बरता पछताता लंगड़ाता। अब लीजिए ना, तो सार्थक शब्द में अंत में जगह बर्बरता एक ऑलरेडी वर्ड है, पछताता एक ऑलरेडी वर्ड है, लंगड़ाता है, सुंदर में ता लगा हुआ है, देखिए 36 का ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि सुंदर ऑलरेडी एक वर्ड होता है तब जाकर इसमें ता लगा हुआ है, तो सुंदरता इसका सही आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा होगा, निम्नलिखित में से किसमें आई प्रत्यय है, आई आई अंत में देखना है, कढ़ाई सगाई राई पढ़ाई। अब लीजिए आई प्रत्यय चुनना है, 37 का सही आंसर हो जाएगा पढ़ाई में जो है ना पढ़ प्लस आई होता है पढ़ाई। अब कहीं इसका तो ना खंड करके देखिए तो कढ़ प्लस आई ये क्या, कढ़ माने क्या होता है, सगा सग प्लस आई नहीं नहीं पढ़ प्लस आई तब जाकर के पढ़ाई, तो आई उपसर्ग पढ़ाई में है। 38 नंबर क्वेश्चन अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अनुज, तो अनुज का क्या होगा, अनुजा होना चाहिए, तो अनुज का अनुजा होना, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुज, अनुज माने छोटा ही होता है ना जी, उसी का अनुजा बना देंगे तो छोटकी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते जन, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है समूहवाचक, तो हम में लगा देते हैं लोग तो हम लोग हो जाता है, नहीं समझे, 39 नंबर देखिएगा जन में लगाते तो गण, तो जनगण हो जाता है, वर्ग ये वाला नहीं है, ये समूहवाचक नहीं है, वर्ग नहीं है, ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खिलौना में कौन सा प्रत्यय है, तो खिलौना में खिलौना, तो खिल प्लस औना, खेल प्लस औना, खिल प्लस औना में लगाएंगे तो खिलौना हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, धुंधला, तो धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, 41 देख लीजिएगा, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, 41 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो धुंध प्लस ला माने धुंधला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कृदंत प्रत्यय जानते हैं क्रिया में जोड़े जाते हैं, कृदंत क्रिया में जोड़े जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों, प्रिय दोस्तों, जो है 50 नंबर तक संधि
और समास संधि से, संधि से क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद समास आने ही वाला है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद करना है, सप्त प्लस ऋषि कहीं लिखा है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना होगा सही आंसर है। संजीव देख लीजिएगा, संजीव जो है इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो 44 का सही आंसर है सम प्लस जीव बराबर संजीव, इसका आंसर हो जाएगा। म में हलंत होना चाहिए चूंकि। निश्चल में निश्चल का तो नी प्लस चल, तब जाकर के निश्चल होगा। 45 का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय आए तो उसी वर्ग का, तो वहां पर विसर्ग का तलाबे स हलंत हो जाता है, ये रूल है। निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है, अयादि संधि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, गायन पवन पावक गंगोदक, तो सही है यन 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 यक 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 लग जाए अयादि अयादि, लेकिन गंगोदक में नहीं है। 46 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काव्योर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है, काव्योर्मी शब्द का संधि विच्छेद करना है। 47 का देख लीजिएगा, काव्य प्लस उर्मी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, काव्योर्मी का संधि विच्छेद होगा। आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या है, देखिएगा आपको लग रहा होगा ना कि ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, आत्मसर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 48 का सही आंसर है आत्म प्लस उत्सर्ग को आत्मोत्सर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, नमः प्लस कारः हो जाएगा क्या, 49 का देखिए तो नहीं, इनमें से कौन सा स्वर नमः प्लस कार हो जाता है जी, मनोह प्लस और हो जाता है संयोग, तो पवन पो प्लस अन बराबर पवन होता है, याद रखिएगा इसका विच्छेद करेंगे ना तो पो प्लस अन ओ और अ का संधि विच्छेद हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसका सही था। आगे क्वेश्चन है, जनमति शब्द का संधि विच्छेद है, जनमति नहीं सन्मति लिखा है, सन्मति शब्द का संधि विच्छेद है, तो सही आंसर सन्मति शब्द का जो संधि विच्छेद है सत प्लस मति बराबर सन्मति। आगे बढ़ते चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। समास कहाँ से स्टार्ट होगा प्रिय छात्रों, तो महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है, चलिए देख लेते हैं। महाविद्यालय 51 से लेकर कहाँ तक, 55 तक, ज़्यादा नहीं इतना ही बार देखेंगे समास। महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है, 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म धारे, दोनों पद देख लीजिए महा प्लस विद्यालय। आगे चलते हैं, आगे गुण उसकी बताई जा रही है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए, द्विगु समास निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्त, देख रहे हैं ना, जिसमें लग जाएगा आकर के क्या कोई सप्त पंच षष्ठ अष्ट कोई शाब्दिक अर्थ ऐसा लगेगा जिससे गिनती का बोध हो जाएगा, ठीक है, तो वह आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब व्ययी भाव समास का एक उदाहरण है जी, देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, सॉरी कितने 53 नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव कौन सा है, अव्ययी भाव समास लेन देन सज्जन चरिमाण या फिर परोक्ष, 53 का मुझे ऑप्शन नंबर डी लगता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है, देखेंगे द्विगु समास पूछा गया है, पंचवटी वनमग्न अजमन संदर्भ कर दिए होंगे आप लोग आंसर, अब 54 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पंच षष्ठ सप्त ये सब द्विगु समास में आएंगे। किसमें सही, अगला प्रश्न है कि किसमें सही समासिक पद है, किसमें सही समासिक पद का प्रयोग किया गया है, 55 का ऑप्शन नंबर बी दिवरात्रि में समासिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु हम लोग वाक्य एवं विचार से देखेंगे, जो हम लोग 56 से लेकर के 62 नंबर क्वेश्चन तक देखने जा रहे हैं, 56 से कहाँ तक 62 तक, अब हम लोग वाक्य एवं विचार से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक वह उसके पिता जा चुके थे, ये कैसा वाक्य है जी, हाँ जब तक वह चाह अब उसमें लगा दिया ना तब तक वो जा चुके थे, ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सरल नहीं है ये। आगे बढ़ते चलते 57 नंबर, जो व्यक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन से पता चलता है कि उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता था, 57 का ऑप्शन नंबर यह भी एक मिश्र वाक्य है, बड़ा वाक्य है ये, कहता है दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती। 58 का ऑप्शन नंबर यह एक सरल वाक्य है, क्योंकि एक ही बार में कह करके अपना काम समाप्त कर लिया गया है। प्रश्न कहता है कि नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो,
ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र है। तो देखिए की से दोनों को जोड़ा गया है, देख रहे हैं ना। तो 59 का मुझे लगता है कि 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो, मिश्र वाक्य का ये भी एक उदाहरण है। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। प्रश्न है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। 60वें का सही आंसर होगा कि यह एक सरल वाक्य है, सीधी बात, नो बकवास कहा गया है इसमें। उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्हें अपना पेट काटकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्हें अपना पेट काटकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। यह निषेधवाचक है, संज्ञावाचक है, सरल वाक्य है, संदेहवाचक है। तो 61 का ये आज्ञावाचक शब्द, आज्ञावाचक वाक्य है, एकदम आज्ञा दी जा रही है। उस भाई के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट करके तुम्हें पढ़ाया। इस प्रकार से वाक्य आपको देखने को एग्जाम से मिलेंगे। मैं उसकी कोई सहायता नहीं की। 62 का सही आंसर है ये निषेधावाचक शब्द है, निषेध हो गया, यानी कि अफसोस हो गई कि मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया। पर्यायवाची शब्द चुनना है। अब आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, 63 से लेकर के प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, 59 नंबर तक हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। दिवाकर, निशी, मार्तंड, शशि, जी चुन लिए होंगे आप लोग, एकदम बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जातरूप, याद रखेंगे जातरूप, इसका पर्यायवाची शब्द चुनना है किरण, चांदी, सुवर्ण या ललित। जो 64 का सही आंसर सुवर्ण को जातरूप भी कहा जाता है। भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी महादेव, भूतेश को महादेव कहा जाता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, विहार, निकेतन, नग, इला। 64-66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा निकेतन, घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन है। आत्मज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तनुज को आत्मज भी कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है सेना, सेना का पर्यायवाची शब्द अनिक, सैनिक, अतुन, अरी। तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि अनिक मने सेना। आगे देखते हैं 69 नंबर कारमुख, कारमुख का संधि विच्छेद पर्यायवाची शब्द चुनना है। 69 का ऑप्शन नंबर बी, कारमुख को धनुष के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बिंदुएं समवध में आ रही होंगी। अब देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन से लेकर 80 नंबर तक, 73 से 80 तक अब हम लोग देखेंगे विलोम शब्द, याद रखेंगे। अब क्या देखने जा रहे हैं, विलोम, विलोम शब्दों का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो पहला है अपयस, अपयस किसको कहते हैं, 73 का विरद को अपयस कहते हैं। अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिमान कहते हैं। श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, तो श्रेष्ठ का विलोम शब्द 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निष्कृष्ट कहते हैं। निकृष्ट होता है श्रेष्ठ का विलोम शब्द। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है प्यारे बंधुओं आलोक, याद रखेंगे आलोक का विपरीत शब्द बताना है। 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंधकार, आलोक माने उजाला और अंधकार माने बिल्कुल अंधेरा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न कहता है प्रशंसनीय, 77 नंबर प्रशंसनीय का जो है ऑप्शन नंबर सी निंद होता है। शीघ्रता का विपरीत शब्द क्या होता है, 78 नंबर का शीघ्रता का विलंब होता है, ठीक है ना, माने जल्दी और उसके बाद एकदम विलंब से। सम्मान का क्या होता है, अवमान, अभिमान, अधिमान, और ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवमान कहते हैं। 79 का कितने नंबर होगा, 79 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चंस बहुत आगे भाग गए, चलिए देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही भाग आए हम। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, हाँ शीघ्रता का हो चुका था। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वार्धक्य, वार्धक्य का विलोम शब्द क्या है, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौवन। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 81 नंबर से हम लोग देखने जा रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए, अब हम लोग नज़दीक ही आ गए हैं, घबराइए नहीं। 81 से लेकर 89 नंबर क्वेश्चन तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होने जा रहा है। अब आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न है जिसकी नाप तौल न हो सके उसको क्या कहते हैं। 81 का सही आंसर अपरिमेय कहते हैं, 81 का जिसकी नाप तौल न हो सके उसको अपरिमेय कहेंगे, अभी नहीं कि अतुलनीय, अगणितीय, नहीं नहीं, अपरिमेय लिखिएगा। 82 का सही क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, 82 का उसको सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं,
83 का, भड़किएगा नहीं, पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? 83 का सही आंसर है, उसको परकिया कहते हैं, याद रखिएगा परकिया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है सर। अगर कोई पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम कर रही हो, जैसे ज्योति, ज्योति कौन है वो थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग, ज्योति मौर्या, पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली को परकिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा कर रही हो तो कह दो ज़्यादा परकिया नहीं बनिए, मतलब अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम मत कीजिए। हिलोरे उत्पन्न करना 84 नंबर क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिलोरे उत्पन्न करना निम्नलिखित में से क्या है? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी, आलोड़क के नाम से इसको जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हृदय, सुंदर हृदय वाली, देख रहे हैं ना प्रश्न कहता है कि सुंदर हृदय वाली, प्रश्न को ध्यान से देखिए, सुंदर हृदय वाली का एक शब्द क्या है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सुहृदय को सुंदर हृदय वाली कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? 86 का ऑप्शन नंबर बी, स्पर्धा कहलाती है, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा नहीं, जिनका जन्म न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जिनका जन्म हुआ ही नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अजन्मा कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, रात को न दिखाई देने वाला रोग, देख रहे हैं ना, रात को न दिखाई देने वाला रोग, जिसको रात को न दिखाई देगा, ये पूछने वाला बात है। 88 का सही आंसर रतौधि उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अब ये नहीं कि दिन को न दिखाई देने वाला को दिनौधि कहेंगे, ऐसा नहीं, नहीं, जो बहुत बातें करता हो, तो जो बहुत बात करता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, वाचला, ए वाचला तुस्निम कथम तिष्ठति, आलस कथा है ना वो 10वां क्लास में एक चैप्टर, उसमें पढ़ने वाला, बड़ी मजा आता है उसको पढ़ने में। आगे बढ़ते चलते मुहावरा देखने वाले हैं अब, एक से लेकर 7 तक, 1 से 7 तक मुहावरा आपको चुनने के लिए आपको बता रहे हैं, चुनने शुरू कीजिए। छू मंतर हो जाना मुहावरा का अर्थ क्या है? नहीं बताए, गायब हो जाना इसका अर्थ होता है। डोरे डालना का मुहावरा का अर्थ क्या है? ना समझ रहे हैं ना, दूसरे का अपने प्रेम में फंसाना, बोलते हैं डोरा डाल रहे हो हमारे ऊपर, हम ना समझ रहे हैं तुम कर का रहे हो। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन है पत्थर की लकीर होना के मुहावरे का तात्पर्य क्या है? तो पत्थर की लकीर होना मुहावरे का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, अमिट हो जाना, यानी पत्थर की लकीर हो जाना कि मिटने वाला नहीं। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है? खून खोलना, आंख लाल पीला करना, आग बबूला होना और नाक रगड़ना, ठीक है। चौथे का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाक रगड़ना, इससे जो है ना, मैंने नाक रगड़ना मैंने प्रयास करना, इसका संबंध क्रोध से नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बदनाम करना, गंदा करना, सहायता करना, पोल खुलना, जी तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा बदनाम करना, यानी हमारे ऊपर कीचड़ तुम उछालने का काम कर रहे हो, हम वहाँ पर थे कि हमारे बारे में तुम बोले हो जाकर वहाँ पर, इस तरीके से बात होती है। अगला देख लीजिएगा, लौकिक त्या अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से, कितना से जी, क्वेश्चन नंबर कितने से, ये कितना आ गया, मुहावरे हो गए ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते चलते हैं, अच्छा 6 ही हुआ था अभी, अच्छा अच्छा अभी 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 इसमें है ही ना क्वेश्चन, मुहावरा भी है, माथ मठना, ये माथ ठनकना, तो माथ ठनकना को क्या बोलते हैं? 6ठे का ऑप्शन नंबर डी, अनिष्ट की आशंका होना, इसको माथ ठनकना कहते हैं, थोड़ा समय भूल गया था। लाल पीला होना, तो लाल पीला होना का मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध करना को क्या बोलते हैं? लाल पीना, नहीं बोलते भोजपुरी भाषा में ढेर लाल पीला को होकबा ढेर लाल पीला, ऐसा करके बोलते हैं। देखिए दिमाग लड़ाना है एग्जाम पास करने के लिए, तिस्मार खान नहीं बनना है, बार बार बोल रहा हूँ। अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये अब लोकोक्तियाँ चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक हम आप लोगों से लोकोक्तियाँ पूछने जा रहे हैं और अंतिम बिंदु पर हम लोग पहुँच गए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमाए कोई आ खाए कोई, यानी कि अंधी पीसे कुत्ता खाए, ठीक है, यानी कि कोई आदमी पूरा परिश्रम करे या कोनो बैठे बैठे पूरा खींचते रहे। घर का जोगी जोगना आन गांव का सीध, लो लोकोक्तियाँ हैं ये, घर का जोगी जोगना आन गांव 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 सीध, 9वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं करते, नहीं घर के मुर्गी दाल बराबर, इसी को बोलते हैं। अगला है तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, गजब लोकोक्तियाँ हैं, इसका अर्थ बताना है, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले,
दसवें का सही आंसर जानते हैं क्या है? एक को खर्च करते हुए देख और दूसरा परेशान होके, ना एक आदमी जो खर्च कर रहा है उसको कोई टेंशन नहीं हम कहाँ से लाएंगे, जो कौन है ना इतना कहाँ खर्च कर रहे हो, इतना कहाँ से आता, सब हिसाब किताब वही रखेगा। आगे बढ़िए, पैर फैला कर सोना। पैर फैला कर सोना का मतलब क्या होता है जानते हैं? निश्चित होकर के सोना कि हम एकदम इस काम को करेंगे तो करेंगे। जैसे कि आज आप लोग जैसे पूरा अगर वीडियो देखे हो ना ओपन स्टडी एरिया का टोटल वीडियो, रियल में यही मुहावरा आपके ऊपर लागू होगा। चुपचाप पैर फैलाकर बैठे रहिएगा, एग्जाम में जाकर कल दम दरदरा कर खींच दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब क्या है? अचानक कोई लाभ होना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। हाँ, अंधे के हाथ बटेर है, ये है भाग्य से किसी को वस्तु मिल जाना, अंधे का बटेर हो जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है ढाक के वही तीन पात होना। ढाक के वही तीन पात होना, 13वें का सही आंसर है सदा एक सा रहना, इसी को ढाक के वही तीन पात होना। मेढक को जुकाम होना, मेढक को जुकाम होना, ले रे भैया। 13 नंबर क्वेश्चन है नाम हासिल करना, उसके बाद मरने को होना, मनचाही वस्तु पाना या अनहोनी होना। तो मेढक को जुकाम यानी कि अनहोनी हो जाना, इसका हिंदी में अर्थ होता है। तबले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला, तबले की नहीं, तबेले की बला बंदर के सिर। 15वें का ऑप्शन नंबर आपको चुन लेना है। इसमें तबेले की बला और बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर पर ला करके मोड़ देना, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे एग्जाम्स में आपको मिलने वाले हैं हिंदी में, उसमें आपको चुन लेना है। बाकी गद्यांश और पद्य उसमें दिए रहेंगे, उसका अर्थ निकाल लीजिए, उतना तो कर ही लेंगे अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही सा। जय हिंद।